सिविलाइजेशन है वो आज किस जगह पे है, और पूरी दुनिया में जो वर्किंग क्लास उसका परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन वो मेजॉरिटी। अभी आपको आखिरी नेशनल सैंपल सर्वे अगर भारत में जो हुआ उसकी याद मैं दिलाऊं, तो पहली बार हिंदुस्तान में गांवों में रहने वाली आबादी का मेजॉरिटी एग्रेरियन ऑक्यूपेशंस में नहीं है, नॉन एग्रेरियन ऑक्यूपेशंस में पहली बार। जो लास्ट सेंसस था उस समय कल्टीवेटर्स की पॉपुलेशन, कल्टीवेटर्स पॉपुलेशन मतलब जो लैंड ओनिंग पेजेंट्री है, वो भारत में 27% था। 27% में से 86% के आसपास मार्जिनल पेजेंट्स थे जिनके पास सवा हेक्टेयर से कम जमीन थी, यानी कि जो आप खेती के बूते अपना घर नहीं चला सकते, उनके पास खेत है लेकिन दे आर ओब्लाइज टू वर्क एज वेज लेबर इन आइदर फार्म्स ऑफ बिग फार्मर्स और माइग्रेट टू टाउन्स एंड वर्क इन इंडस्ट्रियल सेंटर्स। तो आज जो ये पोलराइजेशन है क्लास का, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मार्क्स ने जिसकी बात की थी कि लेबर और कैपिटल का कॉन्ट्रडिक्शन जिस पोलर ऑपोजिट्स को जन्म देता है वो आज कहीं ज़्यादा स्पष्ट है। जो इसका मतलब ये नहीं होता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि मार्क्स ने कहा था कि समाज में बस दो वर्ग होते हैं, सारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है मार्क्स की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए, लेकिन सिर्फ दो वर्ग नहीं होते हैं, देखिए मध्य वर्ग भी होता है। लेकिन मध्य वर्ग इस वो बेसिकली डिराइव होता है लेबर और कैपिटल के कॉन्ट्रडिक्शन से। पॉलिटिकल इकोनॉमी के टर्म्स में आप पॉपुलेशन को लेबर और कैपिटल के कॉन्ट्रडिक्शन में ही देख सकते हैं। निश्चित तौर पे उसमें कुछ कैपिटलिस्ट क्लास के हैंगर्स ऑन भी होते हैं जो मिडिल क्लास के तौर पे मौजूद होते हैं, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, लेकिन वो परमानेंट क्लास नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंटली बाइफर्केट करता रहता है। जो मिडिल क्लास होता है उसका एक छोटा हिस्सा ऊपर जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे प्रोलेटराइज होकर जाता है, और एक नया मिडिल क्लास भी लगातार नीचे से पैदा होता रहता है। तो क्लासेस के बीच में आप क्लास डिवीजन के बीच में कोई ऐसे लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं खींच सकते कि यहाँ तक कैपिटलिस्ट क्लास है, इसके नीचे इतना मिडिल क्लास है और इसके नीचे इतना प्रोलेटेरियन है। कैटेगरीज एज इट इज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। कैटेगरीज जो होती है दे आर एनालिटिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनल रियलिटी। तो इसलिए कैटेगरीज को कोई सच में ढूंढने लगे कि वैसा वाला वर्कर ढूंढो जैसा मार्क्स ने लिखा है पूंजी में, तो थोड़ा मुश्किल होगी ढूंढने में। तो इसलिए कैटेगरीज के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, लेकिन कैटेगरीज के इंपॉर्टेंस को समझने के साथ उसको क्रिएटिवली अप्लाई करना चाहिए। कैटेगरीज चलती हुई आपको समाज में नहीं मिलती है, आपको इंसान चलते हुए मिलते हैं, और इंसान हमेशा वो एक बहुत ही मीडिएटेड तरीके से उनकी क्लास पहचान बनती है, क्लास आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी को मैं यहाँ उस सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जैसे जेंडर आइडेंटिटी या कास्ट आइडेंटिटी, उस सेंस में क्लास आइडेंटिटी नहीं होती है क्योंकि वो गिवन नहीं होती है, क्लास कॉन्स्टिट्यूट होता है प्रोडक्शन रिलेशंस के बदलने की प्रोसेस में। तो इसलिए दूसरा जो दूसरा बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि मार्क्स की पूंजी आज की दुनिया को समझने के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, वो ये है कि जिस पोलर ऑपोजिट्स की बात मार्क्स ने कैपिटल में की थी, लेबर कैपिटल के कॉन्ट्रडिक्शन के फलस्वरूप पूरी आबादी के कॉम्पोजिशन में जो परिवर्तन आता है क्लास कॉम्पोजिशन में, वो आज कहीं ज़्यादा एपरेंट है और मतलब क्लियर एज अ डे लाइट जिसको कहते हैं, उस तरीके से देखा जा सकता है। तीसरी चीज़ जो मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो जनरल आयरन लॉ है वो है एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये उसका डिफरेंसिया स्पेसिफिकर, ये वो चीज़ है जो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन को पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन से अलग करती है। और इस तौर पर आज अगर आप एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल कैसे होता है, बेसिकली एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल दो प्रोसेस से होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल और सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि पूरे सोसाइटी में जो सरप्लस वैल्यू पैदा हो रही है वो सरप्लस वैल्यू क्वांटिटेटिवली बढ़ती है, और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म्स होती हैं उसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जाती है और ज़्यादा बड़े मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोलिस्टिक फॉर्म्स पैदा होते हैं। सेंट्रलाइजेशन टोटल अमाउंट ऑफ सरप्लस वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता है लेकिन उसकी प्री कंडीशन को पूरा करता है, क्योंकि जब भी बड़े फर्म्स पैदा होते हैं तो बड़े पैमाने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो इन टर्न इट कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इस तौर पे सेंट्रलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन में एक रिश्ता होता है, लेकिन इन दोनों प्रोसेसेस के जरिए पूंजी संचय आगे बढ़ता है। और आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो आज जो कॉन्सेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन का लेवल कैपिटल का, it is far beyond anything imaginable in times of Marx. We are living in a world which is virtually ruled by a handful of MNCs and TNCs. मुट्ठी भर MNCs और TNCs पूरी दुनिया को रूल कर रही है एक तरीके से, कई देशों के GDP से ज़्यादा उनका एक टर्नओवर होता है उनका कंपनीज। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये मार्क्स के उस प्रोग्नोसिस को सही साबित करता है जो उन्होंने कैपिटल में की, और आज वो कहीं ज़्यादा लागू। चौथा और आखिरी जो कारण जिसकी वजह से हमें लगता है कि पूंजी आज पहले हमेशा से ज़्यादा रेलेवेंट है,
वो है अनप्रेसिडेंटेड सोशलाइजेशन ऑफ लेबर। जो प्रोडक्शन और लेबर का सोशलाइजेशन हुआ है ये भी अनप्रेसिडेंटेड। आज न सिर्फ एक माल पैदा करने के लिए एक फैक्ट्री में कुछ हज़ार वर्कर्स इकट्ठा होते हैं या एक एरिया में कुछ हज़ार वर्कर्स इकट्ठा होते हैं, बल्कि आज एक ग्लोबल असेंबली लाइन पैदा हो चुकी है। एक ही कमोडिटी मैन्युफैक्चर होती है वो कई देशों में। एक शर्ट का काज लगाना वो शायद फिलीपींस में हो रहा हो, उसे सिलने का काम हो सकता है बांग्लादेश में हो रहा हो, और उसे सारा असेंबल करने का काम हो सकता है इंडोनेशिया या लुधियाना में, जो टेक्सटाइल बेल्ट है वहाँ हो रहा हो। और इस तरीके से फैक्ट्री साइज जो कम हुआ है, और इसको कई लोग कन्फ्यूज करते हैं, जो बोलते हैं कि फैक्ट्री साइज कम होने का मतलब है कि कैपिटल एक्युमुलेशन का स्केल घट रहा है, ये बहुत भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। कैपिटल एक्युमुलेशन का लेवल फैक्ट्री फ्लोर के साइज से डिटरमिन नहीं होता है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के क्वांटम से डिसाइड होता है। और उस तौर पे देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस लेवल पे हो रहा है और जिस तरीके से इसने पूरी दुनिया के मजदूरों को अदृश्य तारों से आपस में जोड़ दिया है, और आज कुछ ऐसे भी बात हो रही है कि जो वर्किंग क्लास की स्ट्रेटजी के नए फॉर्म्स होंगे उसमें ग्लोबल सेक्टोरल स्ट्राइक्स की बात हो रही है कि ग्लोबल सेक्टोरल स्ट्राइक्स की जाएगी। जैसे कि मान लीजिए टोयोटा की फैक्ट्रीज 20 देशों में हैं, तो 20 देशों में इकट्ठे वो यूनियंस कोऑर्डिनेट करके एक सेक्टोरल स्ट्राइक को अंजाम दें। ऐसी एक स्ट्राइक का एग्जाम्पल है अभी फिलिपाइन एयरलाइंस की एक स्ट्राइक हुई थी, जिसमें फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में उनके वर्कर्स ने साइमल्टेनियसली एजिटेट किया और स्ट्रगल को जीते भी। तो पूरा ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो इतना शक्तिशाली दिखता है, जो इतना ताकतवर दिखता है, उतना ही फ्रेजाइल भी हो चुका है, क्योंकि निश्चित तौर पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर वो नहीं करता, और लेबर के राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार प्रवाह पे वो तरह तरह के रोक लगाता है। इसको समझना है तो बहुत बढ़िया किताब है माइक डेविस की, मैनी हेडेड हाइड्रा। उस किताब में माइक डेविस ने पीटर लाइंगो और मार्कस रेडिकर की किताब है मैनी हेडेड हाइड्रा, जिस किताब में वो बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं, पहले ये बाद में ये सारा वीजा रेगुलेशन पासपोर्ट सिस्टम ये बहुत बाद में कैपिटलिज्म के शुरुआती दौर में बड़े पैमाने पे मजदूर एक देश से दूसरे देश आते जाते थे, और उस शुरुआती दौर में जो एक वर्किंग क्लास पैदा हुआ जिसको नाम देते हैं मोटली क्रू किस्म का वर्किंग क्लास पैदा हुआ। मोटली क्रू मतलब उसमें ब्लैक्स भी हैं, लैटिनोज भी हैं, उसमें इंडियन तरह तरह का मतलब वाइट्स भी हैं, और इस तरह का मोटली वर्किंग क्लास सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। और इस क्योंकि ये वर्किंग क्लास को ये मौका नहीं देता है कि वो रेस को, कास्ट को, जेंडर को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है, इसलिए उससे सबक लिया कैपिटलिस्ट ने। और उसके साथ नेशनल एक कारण जो कि नेशनल बाउंड्री रेगुलेशन, वीजा रेगुलेशन पासपोर्ट्स के जरिए लेबर के फ्लो को रेगुलेट करने का, उसका एक कारण ये था कि किसी भी ऐसे मिश्रित मजदूर वर्ग जो कि नस्ली तौर पर जातीय एथनिक तौर पर मिक्स्ड हो, उसका रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल, उसका सबवर्सिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया में जिस किस्म का ग्लोबलाइजेशन ऑफ लेबर, इसके तमाम रोक लगाने के बाद प्रोडक्शन और लेबर का जिस किस्म का सोशलाइजेशन हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड। और इसकी बात मार्क्स ने जिस वक्त की थी वो बहुत कम, तो इस तौर पे देखा जाए तो मार्क्स की जो भविष्यवाणियाँ थी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कैपिटलिज्म के पूरे डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री के बारे में, उसके भविष्य पथ के बारे में, वो काफ़ी हद तक भी कहना कमी होगा लगभग शब्दशः सही साबित। और इस तौर पे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मार्क्स उतना ज़्यादा 19वीं सदी के चिंतक नहीं थे जितना वो 20वीं और 21वीं सदी के थे। मतलब वो मार्क्स इज मच मोर अ थिंकर ऑफ 20th, late 20th and 21st century व्हेन कैपिटलिज्म ट्रूली इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तौर पे अगर देखा जाए तो मार्क्स की कैपिटल आज पहले हमेशा से ज़्यादा रेलिवेंट है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये सवाल कि सिर्फ एक रेटोरिकल क्वेश्चन नहीं है जो हमेशा जन्म शती, मार्क्स का 22वीं सेंटेनरी भी चल रहा है, मार्क्स के जन्म के 200 साल पूरे हो जाएंगे मई आने वाली, तो 22वीं सेंटेनरी या 150 ईयर्स ऑफ कैपिटल के मौके पर भावना से ओत प्रोत होकर कहा जाए कि मार्क्स की पूंजी आज हमेशा से ज़्यादा प्रासंगिक। ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल स्टेटमेंट नहीं है, एक रेटोरिक नहीं है, इट्स ट्रूली एंड रियली मच मोर रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट, मच मोर रेलिवेंट देन एवर। और इस तौर पे आज मार्क्स के कैपिटल को पढ़ना, समझना और उसको आज के कैपिटलिज्म को समझने के लिए उसके एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करना कहीं ज़्यादा कहा मौजूद है, प्रासंगिक है और ज़रूरी है। जो अगला सवाल जिस पे चर्चा ज़रूरी है वो ये है कि मार्क्स के कैपिटल का ऑब्जेक्ट क्या, पर्पज़ क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी
क्या था इसको लेकर के बड़ी बहस थी। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी मूलतः मार्क्स की पूंजी का था, वो था पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के डायनेमिक्स और लॉज ऑफ मोशन को डिस्कवर करना और उनको अनरैवल करना, और मूलतः इसका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो यही। अब इस प्रोसेस में मार्क्स ने और भी प्री कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को भी स्टडी किया, उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी किया कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का। जैसे कि मार्क्स बताते हैं कि सरप्लस प्रोडक्ट हर सोसाइटी जो कि क्लास में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि हर ऐसी सोसाइटी जिसमें सोशल नीड्स को पूरा करने से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसी हर सोसाइटी में सरप्लस प्रोडक्ट को एक ऐसा क्लास अप्रोप्रिएट करता है जो क्लास अपने आप को प्रोडक्टिव लेबर से काट चुका होता है, पैरासिटिक क्लास होता है। हर ऐसा सोसाइटी जो अपने ज़रूरत से ऊपर पैदा कर सकता है उसमें सरप्लस प्रोडक्ट का इस रूप में अप्रोप्रिएशन हस्तगतिकरण होता है। लेकिन पहले सरप्लस प्रोडक्ट का जो अप्रोप्रिएशन होता था वो विजिबल था, जैसे कि एक सर्फ, एक भूदास, वो तीन दिन अपने जैसे यूरोपियन लाटीफुंडिया में होता था, तीन दिन वो अपने एक छोटे प्लॉट ऑफ लैंड पे काम करता था जो सर्फ था या डिपेंडेंट पेजेंट्री था, और बाकी तीन दिन जो है वो फ्यूडल लॉर्ड के उस पर काम करता था लाटीफुंडिया। अब उस पर जो यहाँ पर उस तीन दिन जब वो अपने सामंती भूस्वामी की जमीन पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने सामंती भूस्वामी के मेंटेनेंस के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए प्रोडक्शन कर रहा है, और जो सरप्लस प्रोडक्शन उस समय वो कर रहा है वो विजिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो सरप्लस प्रोडक्शन है ये उसके नेसेसरी प्रोडक्शन, यानी उसके जिंदा रहने के लिए जो प्रोडक्शन वो अपनी जमीन पर करता है, इससे स्पेस और टाइम में अलग है, मतलब स्पेटियली और टेम्पोरली